फ्रेंड्स, माइंडसेट के पिछले दो पार्ट्स में हमने माइंड को समझा और अनकॉन्शियस माइंड को भी समझा। आज हम आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन लेकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैजिकल ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, ये माइंडसेट का हमारा तीसरा पार्ट है और मैं पिछले दो पार्ट्स को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमने पिछले दो पार्ट में क्या चीज़ जाना था। सबसे पहले तो माइंड को जाना था कि माइंड कितना पावरफुल होता है। ये जितने भी बड़े बड़े चमत्कार, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ माइंड की वजह से होता है और माइंड में सिर्फ एक विचार के कारण होता है। आज जब हम हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में उड़ जाते हैं तो कभी ना कभी पहला विचार किसी के मन में आया होगा। वो विचार इतना पावरफुल होता है कि कल्पना से वो हकीकत में बदल जाता है। ये चीज़ हमने जानी थी माइंड वाले पार्ट्स में। अब हम अनकॉन्शियस माइंड, जो हम पार्ट टू में जाने कि माइंड से भी कई हजार लाख गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसका पावर क्या होता है कि ये एक कंप्यूटर की तरह काम करता है कि जो भी डेटा हम इसमें फिट करते हैं वही हमें आउटपुट देता है। जो आदतें हमने सीख ली है वो सारी सेव हो जाती है और वही बार बार रिपीट रिप्लाई होते रहता है हम लोगों को। जैसे कि एक साइकिल को हमने सीखा, फिर बार बार ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ पैडल मारना है। वो सारा चीज़ हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो गया और वो अपने आप ही ऑटोमेटिक वर्क करते रहता है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे ब्रेक लगेगी। अब हम ये तीसरे पार्ट में लेकर आए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। अब ये किस तरह से काम करता है और कैसे इसमें हम बेनिफिट उठा सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले तो समझ जाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अब अट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? अट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को खींच लेना, खिंचाव हो जाना उस तरह, जिस तरह से लोहे को एक मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है अपनी ओर, इसी तरह से ये लॉ भी काम करता है। तो ये उन सारी चीज़ों को खींचता है जो आप चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कि हम कभी दुखी नहीं होना चाहते, तो दुख को क्यों ये खींच लेता है हमारे जीवन में? तो इसमें भी आपकी ही गलती है। जैसे कि हमने बताया था, अचेतन मन का खुद का कोई स्टैंड नहीं है। जैसा इनपुट आपका चेतन मन उसे देगा वैसा ही वो आउटपुट भी देगा। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे ट्रेडिंग में लॉस हुआ है, कई बार लॉस हो गया है, आगे भी लॉस होगा, शायद मुझे फिर से लॉस होगा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप लॉस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर। अब जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम काम करता है इमोशन के रूप में। आपने लॉस का जो इमोशन होता है फियर, वो आपके मन में गाढ़ से बैठ गया है, अभी वही बार बार आपको रिपीट कर रहा है, तो आप उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आप नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अपने मन में उन बातों को बार बार रिपीट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, फिर वैसा ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का लॉ ही ये है कि आप जो बार बार रिपीट करोगे वही आपके पास आएगा। अब इसे उदाहरण के तौर पे समझते हैं। दो पड़ोसी हैं और दोनों पड़ोसियों के एक एक लड़का है 10 साल का और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अब एक लड़का तो शुरुआत से ही पढ़ने में कमज़ोर है, वो जैसे तैसे हर साल पास होता है। दूसरा लड़का वो क्लास का टॉपर है, वो हर साल टॉप करता है। अब ये जब क्लास 1 में रहे होंगे उस टाइम पर जो पहले वाले लड़के ने अपना जो रिजल्ट उसका आया होगा उसने अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे क्लास में पास होने में बहुत मुश्किल पड़ता है, मेरे लिए टॉप आना तो इम्पॉसिबल है। और जिस लड़के ने टॉप किया होगा उसके दिमाग में ये फिक्स हो गया होगा कि मेहनत करो और टॉप आना आसान है। अब यही रिपीटेशन साल ब साल बढ़ता गया। जैसे जैसे ये लड़के बड़े होते गए वैसे वैसे इनके दिमाग में वो फिक्स होता गया। तो जो लड़का जैसे तैसे क्लास में पास होता था उसको पास होने में भी बहुत मुश्किल होने लगी क्योंकि उसने वही अट्रैक्ट किया।
और जो लड़के ने शुरुआत से ही टॉप की उसने अपनी सफलता को अपनी ओर आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया और सफल होता गया हर साल। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बिल्कुल अचेतन मन पर ही काम होता है। जहाँ पर आपको उसी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहिए जो आप चाहते हैं, जो आप नहीं चाहते वो उस चीज़ों के बारे में सोचना, बार बार विचार करना बहुत ही हानिकारक है। अब हम अपना ही उदाहरण ले लेते हैं। हमने क्या किया ट्रेडिंग में, हमने लॉस किया और लॉस बार बार लॉस किया। अब लॉस करते करते हमारे दिमाग में क्या सेट हो गया कि ट्रेडिंग में तो लॉस होता ही है। एक सवाल में अगर आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में आज तक किसने लॉस नहीं किया है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये चीज़ आप भी जानते हैं कि ट्रेडिंग में लॉस होता है। तो फिर ऐसा रेशियो क्यों है कि 80% लोग अनसक्सेस है ट्रेडिंग में और 20% लोग बहुत ज़्यादा बड़े सक्सेस में है। वो जो 20% लोग सक्सेस में हैं, क्या उनको कभी लॉस नहीं हुआ है? बल्कि उन्होंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत जान लिया है। उनको ये पता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस तो होना ही है, पर मैं इस सिद्धांत पर काम करूंगा कि मुझे लॉस कम करना है और प्रॉफिट ज़्यादा। एक और जहाँ पे लूजर्स अपनी हार से, अपने लॉस से टूट जाते हैं और अपने अचेतन मन में सारे बुरी फीलिंग्स, जो गंदी फीलिंग्स है, जो इमोशन आप नहीं चाहते, उसी को सेव करते जाते हैं। दूसरी ओर जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो अगर फेल होते भी हैं तो वो इस आशा के साथ में आगे बढ़ते हैं कि ये ट्रेड मैंने जो लॉस किया है, नेक्स्ट ट्रेड मैं ज़रूर सक्सेस करूंगा और अपने लॉस को मिनिमम करता जाऊंगा और प्रॉफिट को बढ़ाता जाऊंगा, क्योंकि ये ही रूल है ट्रेडिंग की दुनिया में सक्सेस होने का। अब आप कहेंगे कि लॉस होगा तो फीलिंग तो होगी ना, दुख तो होगा ही ना, अब इतना एडवांस लेवल पर जाकर हम कैसे करें, इतनी हिम्मत कैसे मारे? तो किस तरह से वो 20% लोग सोचते हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि वो कैसे टैकल करते हैं अपने लॉस को, वो कैसे टैकल करते हैं अपने अनसक्सेस को और कैसे बदल देते हैं उसको सक्सेस में। तो जो वो 20% लोग हैं जो सक्सेस हुए हैं, उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझा है। वो इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं उन इमोशन के साथ में जो उनको नहीं चाहिए, और वो उसमें इन्वॉल्वमेंट लेते हैं जो उनको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप थिएटर में फिल्म देखने के लिए गए हैं, कोई पिक्चर आप देखने के लिए गए हैं, वहाँ सैकड़ों लोग बैठे होंगे और उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे कि फिल्म में कोई ट्रैजिक सीन आया तो वो रो पड़े, कोई कॉमेडी सीन आया तो हंस पड़े, कोई हॉरर सीन आया तो वो डर गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लॉजिकली सोचते हैं कि अरे ये फिल्म तो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, ये सिर्फ कलरफुल लाइट जो पर्दे पे पड़ रही है वही है, एक्चुअल में सच में कुछ भी नहीं है। तो वो व्यक्ति इन्वॉल्वमेंट नहीं ले रहा है, इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो एक ऑब्जर्वर की तरह देख रहा है, तो वो सही और गलत का निर्णय ले सकता है। लेकिन जो इन्वॉल्व हो गए हैं उनको तो पता ही नहीं है कि ये जिसमें आप दुखी हो रहे हैं, जिसमें आप खुश हो रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक झूठ है। इसी तरह से जब हमारे मन में लॉस की, दुख की या किसी भी बुरी इमोशन की फीलिंग आती है, तो हम बिल्कुल उसके साथ चिपक जाते हैं, इन्वॉल्वमेंट ले लेते हैं, तो उसकी छाप हमारे अचिंतन मन में पड़ती रहती है। लेकिन जो दूसरी साइड सक्सेसफुल लोग हैं, वो ऑब्जर्वर बन जाते हैं, वो साक्षी बन जाते हैं, दृष्टा बन जाते हैं, वो अपने लॉस को अपने सामने रखते हैं और डिटेक्ट करते हैं सही और गलत को, और उस गलती को सुधार कर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग अपने लॉस में इन्वॉल्व होकर दुखी हो जाते हैं। तो ये जो दृष्टा बनने की, जो साक्षी बनने की जो टेक्निक है, वो आसान नहीं है भाई साहब, वो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम जिस धरती पर पैदा हुए भारत में, वहाँ ये चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि फिजिकली पूरी दुनिया भले ही काफ़ी डेवलप कर चुकी होगी भारत के मुकाबले, लेकिन आज भी भारत का जो स्पिरिचुअल साइंस है, जो आध्यात्मिक विज्ञान है, तो उस क्षेत्र में तो पूरी दुनिया का बाप है भारत। ज्ञान के मामले में भारत सबसे ऊपर है,
ट्रेडिंग में लॉस की तो क्या बात है, मौत पर भी जीत दिलाने वाला है हमारा आध्यात्मिक विज्ञान, हमारा वेदांत। ये पूरी दुनिया टकटकी लगाकर भारत को ही देख रही है, क्योंकि भारत के पास में सबसे मूल्यवान चीज है ज्ञान। फ्रेंड्स, हम पिछले पार्ट के भी कुछ एग्जाम्पल को, उदाहरण को लेते हैं कि मीरा के लिए तो सारी कंडीशन विपरीत थी, उनके खिलाफ सारे लोग थे, एक भी व्यक्ति उनके सपोर्ट में नहीं था और पूरी दुनिया उनको जहर का प्याला दे रही थी। लेकिन मीरा के अचेतन मन में था कि ये तो भगवान का प्रसाद है, तो वो जहर मीरा के लिए अमृत बन गया। प्रहलाद, एक छोटा सा बच्चा, इतना मान्यता अपने मन में दृढ़ता से बैठा लिया कि भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है। एक आदमी को अगर आग में डालो तो जलकर मर जाएगा, लेकिन प्रहलाद की वो भावना उसके दिल में इतनी गाढ़ थी, उसके अचेतन मन में इतनी गाढ़ थी कि उसने वही अट्रैक्ट किया जो वो चाहता था, तो भगवान उसकी रक्षा अग्नि से भी की। फ्रेंड्स, जिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आज दुनिया के सारे साइंटिस्ट कर रहे हैं, जो मनोवैज्ञानिक कर रहे हैं, इससे तो कहीं आगे की सोच हमारे शास्त्रों में कई साल पहले से ही है। तो किस तरह से हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलेंगे, तो स्टेप वाइज एक एक सीरीज में हम आपको बताते जाएंगे। अभी सिर्फ आपको जो मेन चीज़ है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ताकि आगे के पार्ट्स में जब आप प्रैक्टिकल वो सारी चीज़ें करें तो बहुत अच्छी तरह से समझ के करें। और जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे और प्रैक्टिकल करेंगे, तो जो एक मैजिक होता है, जो एक मैजिक जिसके बारे में आपने कभी कल्पना नहीं की है, वो सारी घटनाएं आपके साथ घटने लगेगी। तब आप कहोगे कि यस यस, मेरा देश महान है, मेरा भारत महान है। फ्रेंड्स, वो सारी जानकारियाँ एक एक सीरीज करते करते आपको हम पूरी दे देंगे, जिससे आप अपना माइंडसेट एकदम क्लियर करें और एक मैजिकल ट्रेडिंग करते हुए आप मैजिकल सक्सेसफुल सुपर ट्रेडर बन जाए। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जीरोधा अपस्टॉक या एंजल ब्रोकिंग में आप अपना डीमैट अकाउंट घर बैठे ही खुलवा सकते हैं। और अगर आपने हमारी लिंक से अकाउंट ओपन किया, तो हम आपको अपने स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। साथ ही अगर आप हमारे साथ सोशल मीडिया में जुड़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की, आप वहां से हमारे साथ में सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारे लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं, तो सब्सक्रिप्शन के बाजू में जो ज्वाइन बटन है, वहां जाकर आप चैनल की मेम्बरशिप भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, और आपके कमेंट्स हमें बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तो आगे भी ऐसी सीरीज आपके लिए बनाते रहें, इसके लिए कमेंट जरूर करना। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन पे मिलती रहे। अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।